गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आज हम मैथमेटिक्स के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जो हम पहले चर्चा कर चुके थे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। गुरुत्तर श्रेणी, इसको हम लोग जीपी में भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीपी में भी कहते हैं। तो आज हम लोग जीपी की चर्चा करेंगे कि जीपी है क्या, गुरुत्तर श्रेणी है क्या, कैसे इसकी पहचान की जाती है और इसका कैसे टर्म निकाला जाता है, n-वां पद कैसे निकाला जाता है, 5वां पद कैसे निकाला जाता है, 10वां पद कैसे निकाला जाता है और गुरुत्तर श्रेणी का योगफल कैसे होता है, गुरुत्तर श्रेणी का माध्य कैसे होता है, इन सभी बारे में चर्चा करेंगे हम। तो गुरुत्तर श्रेणी का सबसे अच्छा जो तरीका है, गुरुत्तर श्रेणी का सबसे अच्छा तरीका कोई पद ले लीजिए ए, इस पद में कोई निश्चित संख्या को गुणा करके या भाग करके, कोई निश्चित पद या संख्या को गुणा करके या भाग करके जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग गुरुत्तर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गुरुत्तर श्रेणी कहते हैं। ए है, हम कोई निश्चित संख्या ले लेते हैं या पद लेते हैं, आर ले लेते हैं। अब आर में इसमें गुणा करेंगे तो ए आर हो जाएगा, फिर आर में गुणा करेंगे तो आर गुणा करेंगे तो ए आर स्क्वायर, पुनः आर का गुणा करेंगे तो ए आर क्यूब हो जाएगा, पुनः आर का गुणा करेंगे तो ए पावर फोर, डॉट 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 ए आर एन माइनस वन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर इसको हम लोग पहला पद बोलते हैं, इसको हम लोग दूसरा पद बोलते हैं, इसको हम लोग तीसरा पद बोलते हैं, इसको चौथा पद बोलते हैं, इसको हम लोग पांचवा पद बोलते हैं, डॉट डॉट इसको हम लोग एनवा पद बोलेंगे। एन बराबर क्या हो जाएगा? ए आर एन माइनस वन हो गया। ए आर टी एन बराबर ए आर एन माइनस वन हो गया। तो देखते हैं यहां पर टी फाइव दिया है तो आर के घाते कितना है? चार है, यानी पद से आर का घात एक कम है। तो यहां पर भी एन है तो आर का माने आर का घात एक कम कर दिया हम, ये आपका एनवा पद हो गया, ये पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, ये आपका तीसरा पद हो गया, ये आपका चौथा पद हो गया, ये आपका पांचवा पद हो गया, ये आपका एनवा पद हो गया। क्या हो गया? एनवा पद हो गया। ये गुरुत्तर श्रेणी में है। गुरुत्तर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, डिफिनेशन क्या होती है? हमने बतलाया किसी संख्या में या किसी पद में कोई निश्चित संख्या या पद को गुणा या भाग करके जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग गुरुत्तर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गुरुत्तर श्रेणी कहते हैं। ये आपको हमने दिखलाया गुरुत्तर श्रेणी की। जैसे आपको एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल लेते हैं देखिएगा, दो है। अब दो में हम कोई निश्चित संख्या ले लीजिए या पद ले लीजिए, लेते हैं कोई निश्चित संख्या लेते हैं। अब इसमें दो का दो निश्चित कर देते हैं, दो का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? चार आ जाएगा। पुनः दो का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? आठ हो जाएगा। पुनः दो का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? सोलह हो जाएगा। पुनः दो का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? बत्तीस हो जाएगा। ये डाट 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 आपका श्रेणी बनती है। क्या बनती है? श्रेणी बन जाती है। ये आपका गुरुत्तर श्रेणी बन गया। कैसे बना? इस बात को आप लोगों ने देखा, हमने बताया किसी संख्या या पद में कोई संख्या या पद को गुणा करके या भाग करके जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग गुरुत्तर श्रेणी कहते हैं।
क्या कहते हैं उसे, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो यहां पर ये गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन हो गई। अब बात आती है कि कैसे हम पहचान कर पाएंगे कि यह गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं। जैसे आपको बहुत सारे श्रेणियां दे दिया और आपको पहचान करना है कि यह गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। पढ़ने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए ताकि आपको पूरी बातें कंसेप्ट बनती चली जाए और आपको एक सिस्टम समझ में आए। मैथमेटिक्स का एक सिस्टम होता है, सिस्टम के आधार पर आप चलेंगे तो आपको कितना भी कठिन से कठिन सवाल आपको जो होता है सरल लगने लगेगा। देखिएगा, अब यहां पर हम कहते हैं कि जैसे यही आपको कैसे आप जान पाए कि यह गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं। आपको यह दे दिया गया कि 2 दे दिया, 5 दे दिया, 10 दे दिया, 15 दे दिया, 20 दे दिया, डॉट डॉट डॉट, यही आपको 1 दे दिया, x दे दिया, x स्क्वायर दे दिया, x क्यूब दे दिया, x पावर 4 दे दिया, डॉट डॉट दे दिया। अब यही आपको जो है 3 दे दे, 3 का स्क्वायर दे दे, 3 का क्यूब दे दे और 3 का घाते 4 दे दे, डॉट डॉट, ये आपको इतने श्रेणी दे दिया। और इतने श्रेणी देने के बाद आपसे ये पूछता है क्या यह गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है। इन श्रेणियों की पहचान करना होगा, क्या ये गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं, इसके बारे में आपको जानना होगा। तो चलिए हम लोग वही जानते हैं कि कैसे यह गुणोत्तर श्रेणी में आएगा। आइए इस बात को गौर करते हैं। देखिए गुणोत्तर श्रेणी की पहचान सबसे पहले इसमें होती है कि सार अनुपात ले लीजिए। क्या ले लीजिए? सार्व अनुपात। सार्व अनुपात, अगर आप सार्व अनुपात को आर से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, सार्व अनुपात। सार्व अनुपात का मतलब क्या होता है देखिएगा। सार्व अनुपात, हम पहले श्रेणी को चेक करते हैं कि यह जीपी में है कि नहीं, गुणोत्तर प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, इसको हम चेक करते हैं। देखिए सार अनुपात आर बराबर कोई पद लो और उसके पूर्ववर्ती पद से भाग दो, पूर्ववर्ती पद से भाग दो। आप लोगों ने पढ़ा है, हमने जो पहले वाली वीडियो जो बनाई थी यानी अर्थमेटिक्स में, उसमें सार्व अंतर था, डी से व्यक्त करते थे, कोई पद में से पूर्ववर्ती पद को घटाते थे। लेकिन यहां पर सार्व अनुपात है, कोई पद में से पूर्ववर्ती पद को क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देख लीजिए यहां पर आर बराबर कोई पद, देख लीजिए पहले वाली श्रेणी से। देखिए हां, एक बात और ध्यान में रखना होगा कि यहां पर आपको जो है दो, चार बटे कितना कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, ये कट जाए कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। फिर आर बराबर क्या, आठ बटे कितना कर सकते हैं, चार कर सकते हैं, देख लीजिए दो आ गया। देख लीजिए दोनों सार अनुपात दोनों समान है कि नहीं, ये दोनों समान है ना, इसलिए ये श्रेणी क्या है, यह गुणोत्तर श्रेणी में, इसलिए यह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में हो गई। आप लोग को पढ़ो, आप लोग एक एक पॉइंट जान करके पढ़ो, समझ में आए, ताकि आप कभी भी ना भूल सको गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। एक एक पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो देख लीजिए यहां पर आर की वैल्यू जो होता है समान है, इसलिए आप कह सकते हैं कि यह गुणोत्तर श्रेणी में है। हां, एक बात और आपको ध्यान में रखना हो, कभी भी पूर्ववर्ती पद शून्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एक मान, प्रथम पद जो है, प्रथम पद शून्य की स्थिति में नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, प्रथम पद जैसे आपको यहां पर ए ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4, डॉट डॉट, तो यहां पर प्रथम पद ए बराबर शून्य नहीं होना चाहिए कि ये शून्य हो जाए, शून्य की स्थिति में नहीं होना चाहिए। अगर शून्य की स्थिति में आता है तो गुणोत्तर श्रेणी क्या हो जाती है, गलत हो जाता है, गुणोत्तर श्रेणी में नहीं हो पाता है। ये बातें हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो यहां पर ये बातें हमने दिखाया आप लोग को। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग चर्चा करते हैं, ये क्या गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वही फार्मूला, सार अनुपात निकालते हैं। सार अनुपात आर बराबर जो होता है कितना, कोई पद ले लीजिए, कोई पद क्या है, पांच है, पांच बटे क्या कर सकते हैं, कोई पद ले लिया और उसके पूर्ववर्ती पद से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो इसका पूर्ववर्ती पद कितना है बेटा, दो है, इसको काटेंगे तो देख लीजिए यहां पर, और फिर देख लीजिए, पुनः देख लीजिए आर बराबर निकालिए, पुनः आर बराबर 10 बटे क्या करेंगे, पांच करेंगे, उसके पूर्ववर्ती पद से भाग देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो दो आ जाएगा। क्या दोनों का सार अनुपात समान है, नहीं है,
दोनों का सार अनुपात समान नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि यह गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है। चेक करके हमने दिखाया आपको यह गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है। ऐसे इस पॉइंट को हम लोग भी चर्चा करते हैं श्रेणी को, तो यहां पर कह सकते हैं कि यह गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है, यह गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है। अब देख लीजिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट आपका सीरीज दिया है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सीरीज क्या है बेटा, वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर फोर डॉट 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 डॉट। अब आपको इसको चेक करना है क्या यह गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है कि नहीं है। हाँ, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। सवाल लगाने से पहले अगर कोई सीरीज दिया रहेगा, सबसे पहले उसको ये चेक करना होगा कि यह गुणोत्तर श्रेणी में है कि समांतर श्रेणी में है, पहले चेक तो करना होगा, तब तो आप अगला प्रोसेस आप तैयार करेंगे। तो ये चेक करने का तरीका हम बता रहे हैं, तो आइए इसको चेक करते हैं। सारणपात निकालिए, आर बराबर कोई पद ले लीजिए, यक्स ले लीजिए और उसके पूर्ववर्ती पद से भाग देते हैं, भाग दे दिया हमने, कितना आ गया बेटा यक्स आ गया। फिर आर का वैल्यू पुनः निकालते हैं, यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर का पूर्ववर्ती पद कितना है, यक्स है, तो यक्स से भाग देंगे कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। तो इसलिए देख लीजिए यहां पर क्या है, सारणपात समान है, इसलिए यह क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी में आप कह सकते हैं, जब गुणोत्तर श्रेणी में हो गया तब इसका यनवा पद पूछता है कि योगफल पूछता है, जो भी बातें पूछता है आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले पहचान करना होगा कि गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है, है कि नहीं, ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए। तो यहां पर ये आप लोगों ने देखा कि यह गुणोत्तर श्रेणी में। नेक्स्ट सीरीज जो आपको दिया है वो क्या है, थ्री है, थ्री का स्क्वायर है, थ्री का क्यूब है, थ्री का पावर फोर है, प्लस डॉट 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 डॉट, है कि नहीं। अब यहां पर इस बात को गौर कर लीजिए कि जो होता है सारणपात देख लीजिए, आर बराबर तीन का स्क्वायर है, बटे तीन कर देंगे, एक स्क्वायर कट जाएगा, यहां पर तीन आ जाएगा। फिर आर बराबर यहां पर तीन का क्यूब है, बटे तीन का स्क्वायर है, स्क्वायर से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको न समझ में आए तो पुनः देख लीजिए इस बात को, जैसे तीन का स्क्वायर बटे तीन है बेटा, तीन का स्क्वायर देख लीजिए, कोई पद ले लिया इसके पूर्ववर्ती पद से भाग दे दिया, कोई पद क्या है, तीन का स्क्वायर है बटे पूर्ववर्ती पद से भाग दे दिया, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस बात को आप गौर करिए। तीन का स्क्वायर का मतलब होता है तीन का गुणा दो बार, तो तीन का गुणा दो बार करेंगे, तीन गुणते तीन बटे कितना है, तीन है, एक तीन कट गया, कितना गया, तीन आ गया, ये आपका संपर्क। अब नेक्स्ट पोजीशन लेते हैं क्या, तीन का क्यूब है, तीन का क्यूब बटे कितना है, तीन का स्क्वायर है। अब देख लीजिए इसका क्या सारणपात समान आता है कि नहीं आता है, देखिए यहां पर, तो देखिए तीन का क्यूब का मतलब क्या हो गया, तीन गुणते तीन गुणते तीन, और तीन का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, तीन गुणते तीन, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कितना आ गया, तीन आ गया। देख लीजिए सारणपात समान है कि नहीं है, यहां दोनों का सारणपात क्या है, सारणपात समान है, इसलिए ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है बेटा, गुणोत्तर श्रेणी में है ये। जब सारणपात आपको समान आने लगे तब आप कह दीजिए कि ये जीपी में है, तो चलिए ये भी जीपी में है। यहां तक आपको जीपी में कैसे होता है इस बात को हमने सिखलाया जीपी की। अब आगे बढ़ते हैं पद ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, पद को ज्ञात करने के लिए दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी श्रेणी का पद ज्ञात करना, टर्म ज्ञात करना जो होता है, टर्म की वैल्यू ज्ञात करना जो है, वो दो तरीके से होता है। आइए उन दोनों तरीकों को, जो आपको अच्छा लगे वही तरीका आप सवाल को अपनाइएगा, सवाल में अपनाइएगा। हाँ, तो चलिए चर्चा करते हैं। देखिए हम एक एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं तो ज्यादा बातें क्लियर होती है एग्जाम्पल के तरीके से। तो देखिएगा आपको क्या कहा कि ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर एन माइनस वन। आप यहां पर टी एन बराबर फार्मूला हो गया ए आर एन माइनस, यही एनवा टर्म है, क्या है बेटा, एनवा टर्म है, एन टर्म की कंडीशन है। तो आप यहां पर कर सकते हैं
कि यन टर्म की कंडीशन है, इसी को हम लोग यल भी कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद बराबर ए बराबर आर यन माइनस कितना करते हैं? वन करते हैं। ये दोनों बातें सेम। देखिए, जैसे आपसे ये बातें पूछ ले कि दो चार आठ सोलह डाट 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 डाट, इसका दसवां पद ज्ञात कीजिए। कैसरा पद ज्ञात कीजिए? दसवां पद ज्ञात कीजिए। जरा सोचो, इसमें दो दो पदों का अनुपाती कितना दे रहा है? कितना दे रहा है? दो दे रहा है। इसका मतलब ये दो का गुणा करके जो होता है श्रेणी प्राप्त हुई है। तो देखिएगा, दसवां पद, दस पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, दसवां क्या आएगा? चलो गुणा करके तरीका देखते हैं। क्या करके देखते हैं? गुणा करके तरीका देखते हैं। तो दो दो को गुणा किया चार, फिर दो का गुणा किया आठ, फिर दो का गुणा किया सोलह, सोलह को गुणा किया, सोलह में दो को गुणा किया बत्तीस, बत्तीस में दो को गुणा किया चौंसठ, चौंसठ में दो का गुणा किया एक सौ अट्ठाईस, कितना हो गया? एक सौ अट्ठाईस हो गया। फिर अट्ठाईस का गुणा किया, एक सौ अट्ठाईस में दो का गुणा किया दो सौ छप्पन, दो सौ छप्पन में दो का गुणा कितना किया? पाँच सौ बारह, पाँच सौ बारह का दो का गुणा किया, पाँच सौ बारह में दो का गुणा किया एक हजार, कितना गया बेटा? चौबीस। देख लीजिए, दसवां पद ये है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। तो आपका दसवां पद जो है, दसवां पद एक हजार कितना हो गया? चौबीस। लेकिन इस बात को ध्यान रहे कि अगर सौवां पद पूछ लिया तब आप कितना समय इसमें व्यस्त करेंगे, तब तो आपको कठिनाई होने लगेगी कि नहीं होने लगे? कैसे? इसका दो का गुणा ऐसे करते 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 आपको समय बहुत ज्यादा चले जाएगा, इसलिए इसको फार्मूला का उपयोग कर देना चाहिए। तो ये फार्मूला क्या है? ये वाला है, यनवा पद। तो आप देख लीजिए, जैसे आपसे कहता है कि पांचवा पद ज्ञात कीजिए, अगर इसी में कह दिया कि पांचवा पद ज्ञात कीजिए, तो पांचवा पद क्या है? एक दो तीन चार पांच, पांचवा पद क्या है? बत्तीस है। तो देखिए, क्या ये फार्मूला में रखने पर पांचवा पद बत्तीस आता है? तो देख लीजिए, यहां पर टी फाइव कैसरा पद पूछ रहा है? पांचवा पद, पांचवा पद टी फाइव बराबर आप कर सकते हैं कि पांचवा पद टी फाइव बराबर। तो बेटा, आपको ध्यान में रखना होगा कि हमको दो बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात क्या होता है? प्रथम पद, दूसरी पद क्या होता है? अनुपात ज्ञात करना होगा, सारा अनुपात ज्ञात करना होगा। तो देख लीजिए, इसमें प्रथम पद कितना है? प्रथम पद ए बराबर दो है, सारा अनुपात, सारा अनुपात कितना करेंगे? चार में से दो से भाग देंगे, दो बार जाएगा, आठ में चार से भाग देंगे, दो बार ही जाएगा, दो बार ही जाएगा, दो ही आएगा, सोलह में आठ से भाग देंगे कितना आ जाएगा? दो आ जाएगा, इसलिए सार अनुपात कितना हो गया? दो हो गया। ए की वैल्यू पता हो गया, और किसका वैल्यू पता हो गया? आर का वैल्यू पता हो गया, यन का वैल्यू तो दिया है, कई पदों तक पूछ रहा है? पांच पदों तक। देख लीजिए, फार्मूला वही रखेंगे, टी एन बराबर फार्मूला ए आर एन माइनस क्या होता है? वन होता है, ए आर एन माइनस वन होता है। तो टी फाइव बराबर आप कर सकते हैं, T5 बराबर कितना रख सकते हैं? A की वैल्यू कितना है? दो है। R की वैल्यू कितना है? दो है। और पांच माइनस कितना कर दिया? वन कर दिया। पांच माइनस क्या कर दिया? वन कर दिया। तो दो गुणते कितना हो जाएगा? दो गुणते कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा। दो गुणते दो घाते कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा। तो यहां पर दो, दो का घाते का चार का मतलब क्या हो गया? दो को गुणा चार बार करो, दो को गुणा कितनी बार करो? चार बार गुणा करो। तो यहां पर आप कितना हो गया? दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूना बत्तीस। देख लीजिए, आपका पांचवां पद देख लीजिए, टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव, पांचवां पद बत्तीस मिला कि नहीं मिला? मिला ना। तो आप अब आपको सौवां पद पूछ ले तो इसी फार्मूला में रख दीजिए। सौ पद देख लीजिए, सौ पद अगर आपसे पूछता है तो आप कैसे ज्ञात कर पाएंगे? इस बात को देख लीजिए, सौवां पद अगर पूछता है, ये आपको श्रेणी दे दिया सौवां पद पूछने के लिए। देखिएगा, इस बात को आपको गौर करना होगा। सौवां पद डाट 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 डाट, सौवां पद पूछ लिया, कैसरा पद पूछ लिया? सौवां पद पूछ लिया। तब इस फार्मूला का कैसे प्रयोग करें? अगर ऐसे हम दो का गुणा सौ पदों तक ऐसे गुणा करेंगे, तब तो हमको बहुत दिक्कत होने लगेगी, हमारा समय बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए इस फार्मूला में रखिए। क्या है फार्मूला? टी एन बराबर ए आर क्या रखेंगे? एन माइनस वन। ये फार्मूला हो गया आपको। तो यहां पर क्या है? सौ पदों तक पूछ रहा है, सौ रख दिया, एन के स्थान पर कितना रख दिया? सौ पद पूछ रहा है, सौ पदों तक योगफल था।
सौवां पद पूछ रहा है, तो यहां पर ए की वैल्यू कितना है, दो है। आर की वैल्यू कितना निकाला था, ए बराबर कितना मिला, दो मिला। आर बराबर कितना मिलेगा, दो मिलेगा। आर बराबर कितना मिलेगा, तो दो मिलेगा। आप इस बात को देख सकते हैं, आर बराबर दो रख दिया, दो यहां पर क्या कर सकते हैं, सौ माइनस वन कर दिया। आप देख लीजिए दो और इसको क्या कर सकते हैं, दो निन्यानवे हो गया। यहां पर घात एक है तो यहां दो घाते कितना हो गया, सौ हो गया। ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए ये हमने आपको बताया गुणोत्तर श्रेणी का जो है, गुणोत्तर श्रेणी का जो होता है कैसे पद ज्ञात कर सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान में दिलाया है कि नहीं बातें। अब देख लीजिए यहां पर नेक्स्ट वीडियो आपको जो तैयार करेंगे वो तैयार करेंगे गुणोत्तर श्रेणी का अंत से यनवा पद और गुणोत्तर श्रेणी का योगफल और गुणोत्तर श्रेणी का क्या चीज माध्य सिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट जो होता है हम आपको दिखाएंगे गुणोत्तर श्रेणी का अंत से यनवा पद, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल और गुणोत्तर श्रेणी का माध्य दिखाएंगे। हाँ, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो जो होता है मैथमेटिक्स का या अन्य चीज़ का जो होता है वीडियो अपलोड करें आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ तक आप लोग को बातें क्लियर हो गई होगी।